नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपकर ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। महिला सरपंच व सरपंच प्रतिनिधियों के टैंकी पर चढ़ने का मामला एक बार फिर सामने आया। सूरतगढ़ विकास अधिकारी अभिमन्यु चौधरी को हटाने की मांग को लेकर सरपंच फिर माणकसर गांव में पेयजल की टैंकी पर चढ़े तीन सहजने। 13 SD की महिला सरपंच समेत दो अन्य प्रतिनिधि भी शामिल। सूरतगढ़ विकास अधिकारी के तबादला मांग को लेकर सरपंच प्रतिनिधि दल एक बार फिर उतरा वीरुगिरी पर। सूरतगढ़ के माणकसर में महिला सरपंच के टैंकी पर चढ़ने के मामले में एक और पंच चढ़ा पानी की टंकी पर। महिला सरपंच सहित अब कुल 4 लोग चढ़े हैं टैंकी पर। विकास अधिकारी अभिमन्यु चौधरी को निलंबित करने की कर रहे हैं मांग। पुलिस टैंकी पर चढ़े लोगों से कर रही है समझाइश। मामले में जिला प्रशासन की भूमिका पर उठ रहे हैं सवाल। प्रशासन ने जांच में विकास अधिकारी अभिमन्यु चौधरी को पाया है दोषी, लेकिन सूरतगढ़ विकास अधिकारी के खिलाफ अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। दोषी पाया गया, फिर भी विभाग द्वारा, शासन और प्रशासन द्वारा कोई भी उचित कार्यवाही नहीं की गई और मजबूरन धरना स्थल पर आने वाले सरपंचों को, जो प्रताड़ित सरपंच थे, उनको आज से 10-15 दिन पूर्व सूरतगढ़ के अंदर टंकी पर चढ़ना पड़ा और शासन और प्रशासन पे हड़कंप मचा और वार्ता हुई और वार्ता के अंदर प्रशासन के द्वारा 5 दिन का टाइम मांगा गया था कि हम 5 दिन में उचित कार्यवाही कर देंगे। लेकिन बताना चाहता हूँ, 5 दिनों के अलावा 10-12 दिन और निकल चुके हैं, लेकिन आज तक कोई सम्मानित दोस्तों, पंचायत समिति सूरतगढ़ के भ्रष्ट विकास अधिकारी अभिमन्यु चौधरी के खिलाफ पिछले लगभग 55 दिनों से लगातार अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था और इसके खिलाफ निलंबन की हमारी मांग थी और इसको APO करण की, ट्रांसफर की हमारी मांग थी। और विभाग द्वारा जब उसकी जांच की गई तो जांच के अंदर अभिमन्यु चौधरी बिल्कुल स्पष्टतया दोषी पाया गया, फिर भी विभाग द्वारा, शासन और प्रशासन द्वारा कोई भी उचित कार्यवाही नहीं की गई और मजबूरन धरना स्थल पर आने वाले सरपंचों को, जो प्रताड़ित सरपंच थे, उनको आज से 10-15 दिन पूर्व सूरतगढ़ के अंदर टंकी पर चढ़ना पड़ा और शासन और प्रशासन पे हड़कंप मचा और वार्ता हुई और वार्ता के अंदर प्रशासन के द्वारा 5 दिन का टाइम मांगा गया था कि हम 5 दिन में उचित कार्यवाही कर देंगे। लेकिन बताना चाहता हूँ, 5 दिनों के अलावा 10-12 दिन और निकल चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई और आज हमें मजबूरन सरपंच ग्राम पंचायत 13 SD श्रीमती पपली देवी, प्रतिनिधि सरपंच ग्राम पंचायत 13 SD महावीर मेघवाल और वार्ड नंबर 1 से वार्ड पंच राजू मेघवाल और वार्ड नंबर 3 से कालूराम, मजबूरन आज पुनः टंकी पर चढ़ना पड़ा। हम आपको बताना चाहते हैं कि इस प्रकार की शासन और प्रशासन की हट धर्मिता को हम लोग स्वीकार न आज करेंगे न कल करेंगे। जब पूर्ण रूप से ये बात साबित हो चुकी है कि ये वीडियो दोषी है और CO का राजस्थान पत्रिका में स्टेटमेंट है, अखबारबाजी भी है कि बिल्कुल पूर्ण रूप से ये वीडियो दोषी है, फिर इसको क्यों नहीं हटाया जा रहा? या तो हम गलत हैं
या फिर शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोग गलत हैं। अब फैसला आपको करना है। हमारी मांग यही है कि इसको हटाया जावे, तुरंत प्रभाव से हटाया जावे। धन्यवाद।